नमस्कार। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.B की तरफ। क्लास 7 के इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 पे करा दिया था और मैंने इसमें कहा था भी कि आप जब वीडियो देखें तो वीडियो के नीचे जवाब देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। आइए हम यहाँ पे इसमें बताने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सैंपल को रिप्रेजेंट करना है, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल के केस। अगर आप यहाँ देखा जाए तो इसमें जो होगा ये क्या होगा, ये बराबर है या नहीं है वो समझते हैं। अगर देखा जाए ये बड़ा है या छोटा है वो समझते हैं। तो क्या होगा, 33 या 39 और 7 से देखना होगा 42। अगर आप इसी से पढ़ोगे ना 33 या 39 कितना क्या 39 कितना का 42 बड़ा कौन हो जाएगा, फिर आप समझ जाइए ये 91 इंटू 5 और माइनस 13 इंटू 35। मतलब कि ये जो मिला है ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा 5/13 5/13। लेकिन यहाँ देखा जाए 5 + 3 - 3 - 3 मतलब कि -2 बड़ा होगा, -2 क्या होगा बड़ा। फिर यहाँ देख रहे हैं 8 + 16 और 5 + 15 मतलब ये बड़ा होगा, 8 + 16 और 5 + 15 तो बड़ा कौन होगा स्टूडेंट, बड़ा मेरे पास ये होगा। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो -2/3 = 5/-8 है। यहाँ पे 8 होगा 16 प्लस में 5/15 मतलब बड़ा तो ये आ रहा है, बड़ा ये आ रहा है, तो बड़ा ये आ रहा है बट माइनस मिलेगा 1 तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। चलिए बड़ा कौन होगा यहाँ पे ये होगा, इसमें भी बड़ा कौन देखा जाए, बड़ा देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास बड़ा जो होगा 10 * 80 9 * 1 कितना होगा 9 * 81 हाँ बड़ा कौन लगा ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो माइनस होगा वही बड़ा होगा, तो 33 कितना होगा 39 तो 39 किधर है और ये 42 मतलब कि जो माइनस में अगर ये देखा जाए तो माइनस में 39 है तो माइनस में 42 है। तो यहाँ पर देखें जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है, जो छोटा होगा वही क्या होगा मेरे पास बड़ा होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में क्या है -3 - 5 है, तो ये भी अगर देखा जाए माइनस कट गया तो क्या होगा 3/5 3/5 बढ़ेगा और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। फिर क्या है
क्या है? इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सेंडिंग करने के लिए जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी आपको दिया हुआ है सभी डेटा हम क्या लेंगे, घर से मिलेंगे। तो यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन में क्या है, एलसीएम और 5, 10, 15 and 30। तो इन सभी का एक्सम है, तो आप देखते हैं सबसे पहला 30 है, तो 5 से भी 30 कटेगा, 10 से 30 कटेगा, 15 से 30 कटेगा, 30 से 30 कटेगा, क्या होगा 30। ठीक है फ्रेंड्स, 30 आ गया एलसीएम। अगर यहाँ देखा जाए तो 2/5 है, तो 5 को क्या करना है, 30 को बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 6 और 5 × 6 कर दें, कितना हो गया 12/30। फिर 7/10 लेते हैं, तो 7 × 3 10 × 3 21/30 8/59 इसमें क्या होगा 8 × 2 15 × 2 60/30। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं 13/30 है, अगर इसको क्या करते हैं 13 × 1 30 × 1 देखता होगा 13/30। तो आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सभी का जनरेटर सेम आ गया। ठीक है, मैंने बताया था कि सभी सभी लाइक सेक्शन होगा, सभी सभी क्या होगा लाइक सेक्शन होगा, और जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वही मेरे क्या होगा बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर से हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास क्या जाएगा 21, कितना जाएगा फ्रेंड्स 21 ही हो जाएगा ना। ठीक है 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, इसका मतलब कि आपको छोटा से बड़ा। तो यहाँ पर सबसे देखते हैं सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा मेरे पास 12/30, सबसे बड़ा कौन है मेरे पास, उससे बड़ा जो है मेरे पास 13/30, उससे बड़ा कौन है 16/30, इससे बड़ा कौन है 21/30। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए 12/30 किसका है, 12/30 है 2/5 का, 2/5 से बड़ा कौन होगा मेरे पास 13/30, 13/30 कौन है जी, कितना आएगा 13/30, फिर इससे 16/30 कितना 8/15, इससे बड़ा कौन होगा 21/30 किसका है 10/10। इस तरीके से आप क्या करेंगे बनाएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको आप सभी डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे जो भी डेनोमिनेटर है सभी को जो भी एलसीएम है 30 है यहां पे 30 लाएंगे, क्या 5 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 30, 10 में किससे 3 से 30, 15 में 2 से 30, 30 में 1 से 30। इस तरीके से उसके बाद आपको असेंडिंग बोल रहा है सबसे छोटा, मैंने बताया था कि अगर लाइक फ्रैक्शन में हो जिसका नोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। इसमें देखा जाए तो इसमें 12 सबसे छोटा था 12/30, उसका 13/30, 16/30, 21/30, उसके रिस्पेक्ट में 12/30 का रिस्पेक्ट में कौन है 2/5, 2/5 आ गया, 13/30 के रिस्पेक्ट में कौन है 13/30, 13/30 हो गया, 16/30 है तो 16/30 के रिस्पेक्ट में 1/15 तो 1/15 हो गया, 21/30 के रिस्पेक्ट में क्या है जी 10/10 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगर एक क्वेश्चन इसमें और देखा जाए एक क्वेश्चन इसमें और बताते हैं स्टूडेंट्स आपको, वो समझ लीजिए। Thank you.
ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम और 4 12 16 एंड 24 इज व्हाट, इसमें सबसे बड़ा सीरीज कौन है 24, 4 से लगता है 12 से लगता है बट 16 से नहीं लगता है, इसका मतलब 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से कितना जाएगा 48, तो देखिए 4 से 48 करेगा, 12 से 48 करेगा, 16 से 48 करेगा, 24 से 48 करेगा, इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा अपने पास क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये वाले मेथड से क्लास में मैंने बताया था कि एलसीएम कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं इसको क्या करना है, माइनस 3/4 है, इसको क्या करना है 48 बनाना है, तो 4 में क्या से मल्टीप्लाई करें है ना, तो 4 में हम करते हैं मल्टीप्लाई, किसे करें जी 12 से करें, तो -3 × 12 फिर यहाँ पे क्या होगा मेरे पास -3 × 12 हो गया, उसके बाद 4 × 12 -36/48 ये देखते हैं 5/5 क्या है -12 है, तो 12 में किसे मल्टीप्लाई करें 4 से, 5 × इसको प्लस में चेंज करना है तो -4 कर देते हैं और क्या होगा -12 × -4 अब देखना तो -20 कितना 40 है, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या -7 वाले कितना है 16 है, यहाँ देखते हैं तो -7 में किसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, -16 × 3 कितना आ जाएगा -21 × कितना 48। ठीक है, फिर क्या है 9/-24 इसको क्या करते हैं 9 × -2 करते हैं फ्रेंड्स और -24 × -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -18/48 यहां से आप समझ लें फ्रेंड्स, अगर असेंडिंग ऑर्डर में दिखा जाए तो यहां पर देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा तो सबसे छोटा वही होगा जो बड़ा होगा, जैसे कि -36 होगा सबसे छोटा 5/48 इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा -21 हाँ 5/48 फिर क्या होगा -20/48 फिर क्या होगा -18/48 अब इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या है -36/48 के रिस्पेक्ट में क्या है -3/4 इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा होगा मेरे पास 21 मतलब -10/16 इससे बड़ा मेरे पास क्या आएगा -20 -20/48 किसका आएगा -5/12 फिर मेरे पास अब क्या आएगा मेरे पास अभी क्लास कर रहा है कितना है 9/-20 तो इस तरीके से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स बनाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देखेंगे समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।